और क्लास सिक्स लेसन टू इंग्लिश को ज्योग्राफी में चैप्टर है द ग्रो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। आज हम लोग ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखा जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके अलावा डायरेक्शन डिस्टेंस और कुछ मैप्स के बारे में सिंबल्स के बारे में भी जानकारी करेंगे। तो यहां हम ग्लोब पर थोड़ा फोकस किया जाए। वी नो दैट अर्थ इज ए स्फेरिकल बॉडी विच इज स्लाइटली प्लेटेड एट द फोर्थ एंड बिकॉज ऑफ इट्स पार्टिकुलर शेप इट इज कॉल्ड जॉइंट्स। इट्स सर्कमफेरेंस इज अबाउट 40,000 किलोमीटर एंड डायमीटर इज 12,756 किलोमीटर अक्रॉस द इक्वेटर। इट इज डिफिकल्ट टू ग्रैप द साइज ऑफ द अर्थ एंड देन टू एक्सप्लेन इट्स मेनी फीचर। द मॉडल शोइंग द एक्यूरेट शेप ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द ग्लोब। इट इज ए ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ बिकॉज इट इज थ्री डायमेंशनल। ग्लोब की आवश्यकता हमें इसलिए पड़ी कि पृथ्वी का आकार इतना बड़ा है कि इसे हम लोग एक ही बार में देख नहीं सकते हैं, इसके बारे में हम लोग जानकारी नहीं कर सकते हैं। जैसा कि पृथ्वी का जो घेराव है वह 40,000 किलोमीटर और जो है इसका डायमीटर जो है गोलाकार वो 12,756 किलोमीटर इक्वेटर के आर पार में है। जैसा कि हम लोग पृथ्वी का अध्ययन एक बार में नहीं कर सकते क्रमशः बिकॉज द अर्थ इज वेरी लार्ज, तो हमें ग्लोब की आवश्यकता पड़ी। ग्लोब खोखली लकड़ी की बनी हुई आकृति जो जस्ट लाइक पृथ्वी की तरह होती है, जिसको जिसको हम जो है पृथ्वी के जो स्वरूप है उसका उस पर चित्र के माध्यम से या फिर उसे उभार कर भी कई तरह के ग्लोब बनाए गए हैं, तो उससे हम लोग अध्ययन करते हैं पृथ्वी के वास्तविक फिगर के बारे में, वास्तविक स्वरूप के बारे में। द ग्लोब इज ए होलो स्फीयर और विद द होल वर्ल्ड इज प्रिंटेड। यू कैन सी दैट ए लिटल इज फिट थ्रू द ग्लोब इज ए लिटल मैनर दैट इज कॉल्ड इट्स एक्सिस। द ग्लोब कैन मूव अराउंड दिस लिटल फ्रॉम द वेट दैट रिप्रेजेंट्स अर्थ मूवमेंट। द टू पॉइंट ऑन द ग्लोब थ्रू which the needles passage indicate two poles. The upper part is called the north pole and the lower part refers to the south pole. जैसा कि ग्लोब बनाया गया और उसमें नीडल लगा दिया गया तो उसको घुमाया गया, तो जिस तरह से मैं ग्लोब का चित्र बना रहा हूं यह हुआ गोल, पूरी तरह से गोल नहीं है फिर भी आप समझेंगे कि ये ग्लोब है और इसे हम निडल में लगाते हैं।
तो यदि हम इस जो लगा हुआ एडोमीटर लगा हुआ है उसमें पृथ्वी को ग्लोब को यदि हम घुमाते हैं तो ये घूमने लगता है। इसी तरह से हमारी पृथ्वी भी अपनी धुरी पर एक्सिस पर घूमती रहती है और पृथ्वी पर का जो वास्तविक स्वरूप है जैसे पहाड़ हो गया, तिब्बत हो गए, हैबी जलीय भाग अस्थलभाग जो भी है वो बार बार जो है घूमने से हमारे सामने आता जाता रहता है जिससे कि हम लोग अध्ययन कर सकते हैं क्योंकि पृथ्वी का पैसा हम लोग कर नहीं सकते क्योंकि पृथ्वी तो बहुत बड़ी है। तो ये जो निडल लगा हुआ है जहां इसका ऊपरी जो पॉइंट है इसको हम लोग पोल्स कहते हैं, ऊपर वाले को नॉर्थ पोल और नीचे जो है वो साउथ पोल हुआ। यह है ग्लोब के बारे में जानकारी। और जो ग्लोब पर जो रेखाएं खींची गई है उत्तरी ध्रुव से लेकर के दक्षिण ध्रुव तक उन रेखाओं को हम लोग लंबी ध्रुव कहते हैं जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। और पश्चिम से पूर्व की ओर जो रेखाएं खींची गई है एक दूसरे के समानांतर होती है ये लैटिट्यूड है। अब आइए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में जानकारी देते हैं। जैसा कि हमने बताया व्हेन यू लुक एट द ग्लोब और द वर्ल्ड मैप यू विल सी ए फ्यू लाइंस ड्रॉन ऑन इट वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। द हॉरिजॉन्टली लाइंस ऑन द ग्लोब आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, दे आर ड्रॉन ईस्ट टू वेस्ट। द वर्टिकल लाइंस ऑन द ग्लोब आर कॉल्ड मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड द लाइंस आर ड्रॉन नॉर्थ टू साउथ। जो पूर्व से पश्चिम की तरफ या था पश्चिम से पूर्व की ओर जो ये रेखाएं खींची गई हैं ग्लोब पर ये एक दूसरे के समानांतर होती हैं, इसे ही हम लोग लैटिट्यूड्स कहते हैं। ये हॉरिजॉन्टली लाइन भी कहलाती है, पैरेलल लाइन भी कहलाती है। और जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ खींची गई जो रेखाएं हैं ये हाफ सर्कल होती है, अर्धवृत्ताकार होती है, इसको हम लोग लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। इसकी दूरी जैसे सपोज ये जो है सबसे बीच में जो रेखा है ये यह जो है मान लीजिए कि ये इक्वेटर है जीरो डिग्री इक्वेटर, तो इक्वेटर की तरफ उत्तर में जैसे जैसे ये हॉरिजॉन्टली लाइन ऊपर जो है नॉर्थ की तरफ जाती रहेगी तो इनकी जो लंबाई है वो छोटी होती जाती है और अंत में पॉइंट पर जाकर के बिंदु पर बनती है, उसी प्रकार दक्षिण में। लेकिन जो लॉन्गिट्यूड लाइन है जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ खींची गई है ये समानांतर नहीं होती है और पूरा स्फेरिकल भी नहीं होती है यानी वृत्ताकार भी नहीं होती है, यह ध्रुवों पर जाकर के एक दूसरे से मिल जाती है। इक्वेटर पर आकर के एक दूसरे से सबसे अधिक दूरी होती है यानी दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच की दूरी इक्वेटर रेखा पर सबसे अधिक होती है और जैसे जैसे दक्षिण की तरफ अथवा उत्तर की तरफ बढ़ती है तो इनकी दूरी कम होती जाती है और पोल्स पर जाकर के ये आपस में मिल जाती है। सबसे पहले हम लैटिट्यूड के बारे में जानकारी करें। And
एंड दैट ऑफ द साउथ पोल्स इज 19 डिग्री एस से इंडिकेट करते हैं. देयर आर 19 लाइंस ऑन द बोथ नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड. इक्वेटर इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स. बिसाइड द इक्वेटर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सिचुएटेड 23.5 डिग्री नॉर्थ इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सिचुएटेड 23.5 डिग्री 1/2 डिग्री साउथ इन द साउथर्न हेमिस्फीयर आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट. द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेज मिडवे थ्रू इंडिया एंड यू कैन सी इन द मैप ऑफ इंडिया. इक्वेटर 0 डिग्री इक्वेटर लैटिट्यूड ग्लोब पर पश्चिम से पूरब की तरफ खींची गई काल्पनिक रेखा. ये सभी रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल हैं, समानांतर है. 0 डिग्री से उत्तर ये 0 डिग्री जो इक्वेटर लाइन्स है यह हमारी पृथ्वी को दो भागों में बांटने का काम करती है. डिवाइडेड द टू पार्ट ऑफ द अर्थ. इसके जो ऊपर की तरफ ऊपर का जो पोर्शन है जिसे मैप में हम लोग उत्तर कहते हैं नॉर्थ कहते हैं उत्तरी गोलार्ध नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और इसके जो नीचे दक्षिण में है वह साउथर्न हेमिस्फीयर दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं. ये इंपोर्टेंट लाइन इक्वेटर के दोनों तरफ 23.5 डिग्री जो नॉर्थ में है या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसे हिंदी में कर्क रेखा कहते हैं 23.5 डिग्री उत्तर में नॉर्थ. इसके बाद दक्षिण में उतने ही कोणात्मक दूरी पर जो काल्पनिक लाइन्स है इमेजिनरी लाइन्स है वह ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर रेखा. इसको हम लोग मकर रेखा कहते हैं. कर्क रेखा ये विषुव रेखा. अब 0 डिग्री से अर्थात इक्वेटर लाइन से 66.5
66 वन बाई हाफ जो है डिग्री पर जो लाइन है उसे हम आर टी सर्किट करते हैं। आर टी सर्किट और इतनी ही दूरी पर हाउस में अंटार्कटिक सर्किट करते हैं। अंटार्कटिक सर्किट ये इंपोर्टेंट लाइन है। इसके बाद इक्वेटर से नॉर्थ साइड में कुल 90 लैटिट्यूड्स हैं और साउथ में भी 90 लैटिट्यूड्स हैं और एक इक्वेटर टोटल मिलाकर के 180 लैटिट्यूड्स जो है हमारे ग्लोब पर निर्धारित किए गए हैं। इक्वेटर है तो 181 ये हुआ हमारा लैटिट्यूड ग्लोब पर। इसके माध्यम से हम लोग एक समुद्र स्थान की दूरी भी और इसके अलावा पृथ्वी पर के टेम्परेचर की स्थिति भी हम लोग जानते हैं, अर्थात इक्वेटर पर जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि वर्टिकल रे ऑफ द सन जब धरती पर पड़ती है तो ज्यादा इसी लाइन पर यानी 5 डिग्री उत्तर 5 डिग्री दक्षिण जो है सूर्य की जो है स्लैटली लाइन यानी खड़ी रेखा खड़ी जो है लाइन सीधी रेखा पड़ती है जिसके कारण इन सब क्षेत्रों पर गर्मी अधिक होती है। जैसे जैसे उत्तर की तरफ अथवा दक्षिण की तरफ ग्लोब की तरफ बढ़ते जाते हैं टेम्परेचर का जो है प्रभाव कम होते हैं लेकिन ठंडी बढ़ती जाती है। अरे इंपोर्टेंस ऑफ लैटिट्यूड जैसा कि हम बता रहे थे द लाइन ऑफ लैटिट्यूड आर इंपोर्टेंट बिकॉज थ्रू दे वी कैन गेट एन आइडिया अबाउट द टेम्परेचर ऑफ ए प्लेस। वी ऑल्सो कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ द प्लेस फ्रॉम द इक्वेटर। दे ऑल्सो हेल्प अस टू फाइंड आउट द स्टेट लोकेशन ऑफ ए प्लेस। लैटिट्यूड के माध्यम से हम इक्वेटर से ध्रुवों की तरफ डिस्टेंस का ही पता करते हैं, डिस्टेंस मालूम करते हैं, दूरी का पता करते हैं और टेम्परेचर का भी ज्ञान हमें होता रहता है। तो यहां हम लोगों ने समझा लैटिट्यूड्स के बारे में, अब हम चलते हैं लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड थर्ड पॉइंट में है लॉन्गिट्यूड्स आर एंगुलर डिस्टेंस ऑफ ए प्लेस east or west of the prime meridian. Greenwich in England is the prime meridian and counting of meridians apart from there the value of Greenwich is 0 degree latitude in all there are 360 longitudes drawn through the equator at equal distance of 1 degree each denote by E or W यानी ईस्ट और वेस्ट अकॉर्डिंग टू देयर डायरेक्शन फ्रॉम द इक्वेटर। लॉन्गिट्यूड्स में जो ग्रीनविच रेखा जिसको कहा जाए इससे सभी रेखाओं को मेरिडियन लाइन कहा जाता है। इसमें भी जिस तरह से हम लोग लैटिट्यूड्स में 0 डिग्री मान लिए हैं विषुवत रेखा को
उसी तरह से लॉन्गिट्यूड्स में भी एक रेखा जो तो काल्पनिक रेखा जो है उसको माने हम लोग जो इंग्लैंड ग्रीनविच वेल्साला से होकर के जो गुजरी हुई है लाइन इसको हम लोग 0 डिग्री और इसके जो दोनों तरफ की जो लाइन है उसको हम लोग गिनते हैं 180 और 180 फिर 360 लॉन्गिट्यूड है। इन दोनों के जो बीच की दूरी जो है वह काल्पनिक रूप में हम लोग 1 इंच डिनोट इंच में या डिग्री में डिनोट करते हैं और 0 डिग्री के जो पूरब की तरफ जो लाइन है उसको ईस्ट यानी ईस्ट से दर्शाते हैं पश्चिम में इधर लेफ्ट साइड में और जो राइट साइड में जो रेखाएं आती हैं उसको हम लोग ईस्ट से दर्शाते हैं। इंपोर्टेंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स का महत्व, लॉन्गिट्यूड्स हेल्प अस कैलकुलेट द एक लोकल टाइप ऑफ प्लेस, दे आल्सो हेल्प अस लोकेटिंग ए प्लेस अकॉर्डिंग टू टाइम डिफरेंस। लॉन्गिट्यूड से हमें समय का हम लोग पता करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच की दूरी करना हमें आसानी हो जाती है। इसके बाद है मैप, मैप जो है अब हम लोग कर पढ़ेंगे समय पूरा आज के क्लास का, तो अब हम लोग मैप डायरेक्शंस और डिस्टेंस के बारे में कल हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, कल के इसी समय मिलेंगे, थैंक यू।